अगर आपने मिलेट्राइक ज्वाइन कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मिलेट्राइक ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको ट्रेनिंग देखनी है, कैसे आप अपने रेफरल लिंक को ढूंढ सकते हो, कैसे आप अपने कोर्सेज को देख सकते हो, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। हेलो एवरीवन, हेल्पिंग ब्रदर दिस साइड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाके मिलेट्राइक लॉगिन सर्च करना है। तो आपको वेबसाइट दिख जाएगी miletrack.com के नाम से, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ की थी, और नीचे आपको अपना पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो जो भी पैकेज आपने परचेज किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो एनरोल लिखा रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर थ्री लाइंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, मतलब आपका नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका सब कुछ यहाँ पे, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। देन उसके बाद आपको चेंज प्रोफाइल इमेज का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल इमेज को चेंज कर सकते हो, न्यू सेट कर सकते हो, ओके। तो चूज फाइल पे क्लिक करके आप जो भी इमेज लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो, ओके। उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आप अपना करंट पासवर्ड लगा दो, उसके बाद जो भी आप न्यू पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो यहाँ पे कर दो, और अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। देन आपको माय कोर्सेज का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से आप अपने सारे कोर्सेज को देख सकते हो जो भी आपने एनरोल किए हैं, ओके, जो कि लॉगिन करने के बाद भी हमें दिखा देता है, ओके। उसके बाद नीचे आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैकेज सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी कोर्स का आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो उसका आपको नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड देन नीचे आपको स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक टेस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिनट का टाइम बाकी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का सही सही आंसर देना है, और नीचे जब आप आंसर दे दोगे तो नीचे आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सबसे लास्ट में आपको सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंपनी का ऑफिशियल नंबर एंड ईमेल आईडी दिख जाएगी। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी का ऑफिशियल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो माय प्रोफाइल का ऑप्शन है, जिसमें आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद माय कोर्सेज में जाके आप अपने कोर्सेज को देख सकते हो जो भी आपने एनरोल किया है। एंड उसके बाद नीचे आपको सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी अभी देखा। एंड नीचे आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कंपनी का ऑफिशियल नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी, जैसे जो कि अभी आप सामने देख रहे हो, ओके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये है एफिलिएट पैनल का, जो कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अपना डैशबोर्ड दिख जाएगा कि आपने कितनी अर्निंग की है, आज कितनी अर्निंग की है, इस हफ्ते कितनी अर्निंग की है, इस मंथ की कितनी अर्निंग है, और ऑल टाइम की कितनी अर्निंग है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नीचे आपको अपनी रिसेंट सेल्स दिख जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड नीचे आपको अपनी सारी एनालिटिक्स दिख जाएगी कि आपने कौन से पैकेज कितने सेल किए, एंड ऑल सारी चीज़ें आप आराम से बाद में देख सकते हो, ओके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करते हो और एफिलिएट पैनल में आ जाते हो तो आपको यहाँ पे जो तीन लाइंस का ऑप्शन दिख जाता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको और अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि पहले नहीं थे। चलो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करके इस वाले पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पे जो आपको थ्री लाइंस का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको अलग ऑप्शंस दिखेंगे। लेकिन जब आप प्रोफाइल वाले आइकॉन पे क्लिक करोगे और उसके बाद एफिलिएट पैनल में आ जाओगे, एंड देन अब यहाँ पे आप थ्री लाइंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एफिलिएट पैनल का ऑप्शन दिखेगा, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या होगा, डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करके आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ऑलराइट, जो हमारा अभी करंटली ओपन है। उसके बाद आपको एफिलिएट पैनल में एफिलिएट कमीशन का ऑप्शन दिखेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएगा टोटल अमाउंट पेड, इसमें कंपनी ने जो भी आपको कमीशन पेड किया है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद टोटल अमाउंट अनपेड में जो भी आपका कमीशन बाकी है, कंपनी जो आपको भेजने वाली है, जो पेमेंट आपको रिसीव होने वाला है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड उसके बाद नीचे आपको ये चार्ट दिखेगा, तो यहाँ पे किस पर्सन ने आपके साथ कौन सी पैकेज से स्टार्ट किया है, कितनी तारीख को स्टार्ट किया है, आपको उसका कितना कमीशन मिला है, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में शो करेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ओके, देन आपको वहाँ पे एफिलिएट पैनल में केवाईसी का ऑप्शन दिख जाएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे ही आप मिलेट्रैक में लॉग इन करते हो, पहली बार लॉग इन करते हो, तो आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है ताकि कंपनी आपके केवाईसी को वेरीफाई कर सके, और जब भी आप कुछ पैसे कमा लोगे तो कंपनी वो जो पेमेंट है, वो कमीशन है, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। तो आपको केवाईसी कंपलसरी कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट होल्डर का नेम डाल देना है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो भी नेम है वो डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईपीसी कोड, ब्रांच कोड, वो सारा आप सब कुछ यहाँ पे डिटेल में फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड और यहाँ पे आधार कार्ड की बैक साइड यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके बाद जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी, यूपीआई आईडी कंपलसरी आपको डालनी है ताकि पेमेंट जो है वो आपको जल्दी रिसीव हो सके। नीचे आपको पैन कार्ड भी अपलोड कर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का, भाई बहन की बैंक डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो जिनके पास पैन कार्ड है। ओके, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप अपनी ही इन्फॉर्मेशन डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने माँ बाप की, भाई बहन की भी बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो और उनके बैंक अकाउंट में आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे तो यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और सबमिट आपको कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि एवरी संडे कंपनी केवाईसी अप्रूव करती है, तो आपकी जो केवाईसी है वो संडे को अप्रूव हो जाएगी। ओके, देन आपको एफिलिएट पैनल में नीचे लीडर बोर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो कंपनी में इस हफ्ते टॉप पे कौन कौन चल रहा है, मंथली टॉप पे कौन है और इस ईयरली टॉप पे कौन है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, उसके बाद आपको एमटी कम्युनिटी का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप सामने देख सकते हो। यहाँ पे आपको कंपनी के सारे ऑफिशियल चैनल, सारे ऑफिशियल ग्रुप्स, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फेसबुक ग्रुप है, यूट्यूब है, उनका ट्विटर का भी अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम का भी पेज है, लिंक्डइन का भी पेज है और टेलीग्राम का भी ग्रुप है, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाती है। तो ध्यान से इन सारे ग्रुप्स को आपको ज्वाइन कर लेना है, डबल क्लिक जब भी आप कर लोगे तो आप टेलीग्राम में पहुंच जाओगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे लीड्स मैनेजर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको उन लोगों की लिस्ट दिखाई जाएगी जिन्होंने आपके रेफरल लिंक पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन फिल तो की थी लेकिन उन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको उनका नंबर, कौन सी तारीख की उन्होंने रजिस्ट्रेशन ट्राई किया, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरल लिंक का ऑप्शन, आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आप ऑल पैकेज पे सिलेक्ट करोगे और नीचे आपको रेफरल लिंक जनरेट होके आ जाएगी, तो ये रेफरल लिंक जब आप कॉपी करके अपने किसी लीड को सेंड करते हो और जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने सारे पैकेजेस दिख जाएंगे, तो वो कौन से भी पैकेज को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्पेसिफिक पैकेज की लिंक आप अपने लीड को सेंड करो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा भी पैकेज, जो भी पैकेज के आप लिंक सेंड करना चाहो तो उस पर क्लिक करो। तो मैं यहाँ पे डेटा साइंस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा साइंस की जो रेफरल लिंक है वो यहाँ पे जनरेट हो के आ चुकी है। तो जब आप ये रेफरल लिंक अपने लीड को सेंड करोगे तो उनके सामने सारे पैकेजेस नहीं दिखेंगे, उनके सामने सिर्फ डेटा साइंस का ही पैकेज दिखेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट है इस रेफरल लिंक का। तो इस तरह से आप अपने रेफरल लिंक जनरेट कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। अगर आप स्पेसिफिक पैकेज के लिंक सेंड करना चाहते हो या फिर ऑल पैकेज के लिंक सेंड करना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये रेफरल लिंक का ऑप्शन समझ आया होगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको कमीशन स्ट्रक्चर का भी ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा कि कौन से पैकेज पे आपको कितना कमीशन मिलता है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स की प्राइस विदाउट जीएसटी कितनी है और 18% जीएसटी ऐड करके फाइनल प्राइस कोर्स की कितनी है और उस पर आपको कितना डायरेक्ट कमीशन मिलता है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे वेबिनार का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कंपनी की जो भी मीटिंग्स होती है वो आपको इस वाले ऑप्शन में दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स का भी ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ से आप सारी ट्रेनिंग्स देख सकते हो, एंड इंस्पायर शो वाला भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये कमिंग सून है। तो ट्रेनिंग्स में आप देख सकते हो जो भी कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है, लाइव ट्रेनिंग्स, वो इसमें यहाँ पे आ जाएगी। ओके, जहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हो। ऑलराइट, एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको सपोर्ट हब का ऑप्शन मिल जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जब आप माय प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र आ जाएंगे, उन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको उनके आंसर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े ऑप्शन कंपनी में यहाँ पर आपको दिया है कि जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो और उनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आपको यहाँ पे लिस्टेड दी है और उस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जो भी क्वेश्चन है वो आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट डैशबोर्ड गाइड जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की है।
सारा एकदम डिटेल में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो अब आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको ट्रेनिंग्स देखनी है, ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको अपने कोर्सेज देखने हैं, कैसे अपने रेफरल लिंक को आपको जनरेट करना है, सारा सब कुछ एकदम डिटेल में आपको समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो अब आगे की प्रोसेस आपको अपने स्पॉन्सर बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।